इस श्रेणी के 16वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए 16वें एपिसोड के प्रश्नों के उत्तर को सीखते हैं। नंबर एक है आपके सामने, पांच अदिश राशियों के नाम बताना है। अदिश राशि बहुत सारे हैं साथियों, उसमें से किन्हीं पांच बताना है। मैं आपको बताता हूं, दूरी, समय, चाल, क्षेत्रफल, दाब, घनत्व, ऊर्जा, काय, शक्ति, ये सभी अदिश राशि ही है। नंबर दो, दूध से क्रीम किस विधि से अलग होता है? दूध से क्रीम अपकेंद्रण से अलग होता है। अलग करने वाली विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। नंबर तीन है, सरलोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? साथियों, सरलोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2π रूट अंडर एल बटे जी। टी बराबर 2π रूट अंडर एल बटे जी। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो शून्य होता है, तो किसी का बटे जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होता है? इन्फिनेटी। यानी सरलोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर अनंत होता है। काला सीसा किसे कहा जाता है? साथियों, काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। नंबर पांच, आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। साथियों, नंबर छह, त्रिभुज के कोज्या सूत्र क्या है? त्रिभुज का कोज्या सूत्र है कोश ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। कोश ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2bc। अगर कोश भी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab। और कोसी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो साथियों, कोश ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2bc हो गया। अगर कोश भी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2ac हो जाएगा। अगर कोसी लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab लिखेंगे। इन सूत्र को भी कहते हैं कोज्या सूत्र। नंबर सात, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? द्विघात समीकरण के विवेचक जब शून्य या शून्य से बड़ा होता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं। नंबर आठ, NPR का सूत्र क्या होता है? NPR का सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। लोकमान जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था? साथियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम फूल रानी था। नंबर 10, लोहा का निष्कर्षण किस अस्क से किया जाता है? साथियों, लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट से किया जाता है। अब जानिए अगले एपिसोड में अगला पांच प्रश्न। नंबर एक, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? नंबर दो, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? नंबर तीन, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? नंबर चार, अपनी बेटी अपना दान योजना किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? नंबर पांच, इलायची की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? साथियों, इन पांच प्रश्नों का सबसे पहले और सही जवाब देने वाला का नाम अगले एपिसोड में प्रसारित किया जाएगा। साथ साथ लगातार 10 एपिसोड में सही जवाब देने वालों को एक अच्छा पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आइए इस चैनल से जुड़िए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ साथ लाइक भी करें। साथियों, एक बात और बता दूं, किस चैनल के माध्यम से क्लासेस के गणित की पढ़ाई भी नियमित रूप से होने लगी है। आइए उसका भी लाभ उठाइए और ज्ञानवर्धन कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।